बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो आज हम बनाएंगे खजूर के लड्डू। उसके लिए मैंने ले लिए बादाम, मेरे पास थोड़े थे तो मैंने कहा चलो इतने ही बहुत हैं। ये काजू, ये पिस्ते, और अभी मैं पिस्ता कुछ खोल रही हूँ, तो जब मैं खोल लेती हूँ तो फिर मिलते हैं आपको कि कैसे बनाने हैं। ये हमारे हो गए हैं, अब इनको हम काट लेंगे, छोटा छोटा काट लेंगे। तो छोटा छोटा काट के फिर आपसे मिलते हैं। अब मैंने सोचा है कि मैं इनको काटती नहीं हूँ, पहले इनको मैं एक पैन में लूँगी, उसके अंदर ऑयल डाल के थोड़ा, ये मैंने छोटा सा पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल गर्म हो जाए। हमने इनको रोस्ट कर लेना है, जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, मतलब खुशबू आने लग जाए अच्छी सी, तो इसका मतलब है ये रोस्ट हो गए। ये रोस्ट हो गए हैं, अब इनको प्लेट में निकालते हैं। अब इनको आप चाहो तो मिक्सी में डाल लो, आप चाहो तो इनको ब्रिक ब्रिक काट लो, या इसकी मदद से कश कर लो। तो मैं आपको कश करके दिखाती हूँ। ये इस तरह चॉप हो रहे हैं बारीक बिल्कुल। ये कुछ मैंने कश कर लिए हैं, कुछ मैंने काट लिए हैं, और कुछ मैंने साबुत रहने दिए हैं। अब हम खजूर की गुठलियाँ निकाल लेंगे। एक कप खजूर चाहिए हमें, तो इनकी गुठलियाँ निकालेंगे। ये हमने खजूर ले लिए, खजूर को डालेंगे। ये हमने खजूर डाल दी, अब इसको अच्छे से पकाना है, साथ साथ तोड़ते भी जाएं कि अच्छे से मिक्स हो जाए। आप ग्राइंड भी कर सकते हो थोड़ा सा पानी डाल के। थोड़ा सा ऑयल डालना है, मतलब मक्खन, बटर जो भी है। इसमें सिर्फ एक चम्मच मैंने पानी डाला है, चम्मच टीस्पून जो होता है वो डाला, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह चम्मच चलाते रहें, जो आपको सख्त लग रही है उसको वो टूट जाएगी, और अच्छे से इसको पका ले। बिल्कुल ये मैश करना है। थोड़ा इस फॉर्म में आके मक्खन डालेंगे, बटर डालेंगे, जो भी आपके पास है, देसी घी, मक्खन, ऑयल, या दूसरा भी ऑयल है तो डाल सकते हैं। ये तो वैसे भी इसकी तिड़ तिड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी जब ये पकने लग जाएगी।
मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ना ग्राइंडर में कुछ डाला ना कुछ ना कुछ, मैंने इसे वैसे किया तो वो नॉर्मली हो गई थी, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि ना ही डालें ग्राइंडर में, इजीली ये मेरी तो आराम से होगी, ना मुझे कुछ ज़्यादा करना पड़ा। यहाँ पे ये देखते हैं, मैंने कुछ कर दिए थे, ये इसको मैं डाल देंगे। सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे कुछ बादाम डाल रही हूँ, 7-8 टहनियाँ बादाम की डालूँ और बस। फिर इसको मैं ये मैंने बादाम डाल दिए, मिक्स कर दिया। आग इस फॉर्म पे आग बंद कर देनी है, बस इसको ठंडा थोड़ा सा कर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। इसे प्लेट में निकाल लेंगे, ये मैंने निकाल लिया है। अब इसको ठंडा होने देंगे, उतना ठंडा कि आपके हाथों को बर्दाश्त हो। ये ठंडा तकरीबन उतना हो गया कि हाथ को बर्दाश्त हो सके। अब हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाते जाएंगे और इसके लड्डू बनाते जाएंगे। ये हमारे मज़ेदार लड्डू तैयार हो गए हैं। इनको बनाने से पहले अच्छे से हाथों पे ऑयल लगा लें, ग्रीस कर लें, फिर बनाएं। बहुत मज़े के हैं, हेल्थी भी बहुत ज़्यादा है, उनके बहुत से बेनिफिट हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, ये बहुत अच्छी है, इससे दर्दें भी कम होती हैं, बॉडी को ताकत भी मिलती है, तो बहुत ही हेल्थी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इस तरह की और भी मज़े की वीडियोस चाहिए तो मैं आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लेकिन इसी से मिलती जुलती वीडियोस शेयर कर सकती हूँ। बाय बाय।